हेलो फ्रेंड्स, दीक्षा नेक्स्ट डोर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार वाली रेसिपी लेके आए हैं, जो है भरवा करेले। और इसमें इतने कम मसाले लगते हैं और इसमें इतना कम तेल लगता है कि आपको इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही ईजी इसकी रेसिपी है, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के करेले ले लिए हैं। आपको ज़्यादा बड़े करेले नहीं लेने हैं और ना ही ज़्यादा छोटे करेले लेने हैं। यहाँ पे मीडियम साइज़ के करेले हैं, मैंने इनको अच्छे से धो लिया है। और अब इनको धोने के बाद मैं इनकी जो बाहर की कवर है उसको छील लूँगी। और इसको ना आपने बहुत ज़्यादा नहीं छीलना है, बहुत हल्का हल्का, क्योंकि इसका भी हम बाद में यूज़ करेंगे। उसके बाद हम इसमें कट लगा देंगे। और ये ध्यान रखना है कि इसका जो अंदर का स्टफ़ है वो आप निकाल लेंगे और इसके स्पेशली सीड्स को आप बाहर निकाल लेंगे। और अब ये सारे हमने करेले छील के रख लिए हैं। और अब हम इनमें नमक डाल के इनको साइड रख देंगे। तकरीबन 2 या 3 घंटे आप इनको छोड़ दीजिए ताकि इनका कड़वापन निकल जाए, ये देखिए। और उसी के साथ हमने जो छिलके रखे थे उनको भी नमक डाल के साइड में रख लेंगे। अब इनको तकरीबन 2-3 घंटे बाद हो गए हैं, तो अब इनको आप अच्छे से निचोड़ लेंगे, करेलों को भी और उनके जो हमने साइड में छिलके रखे थे उनको भी अच्छे से निचोड़ लेंगे। और यहाँ पे हमने कढ़ाई में तकरीबन 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल का लिया है। ये हमने लिया है 1 मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज और इसको हम अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, ये है तकरीबन 4 बड़े पीस लहसुन के, जिनको हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। और अब जो हमारा लहसुन और प्याज अच्छे से भुन गया है, और हम इसमें जो हमारा करेला हमने निचोड़ के रखा था उसको ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से स्टर कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून ऑफ नमक, वो आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून ऑफ हल्दी। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे 2 टीस्पून ऑफ धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ऑफ लाल मिर्च। अब इस सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच जीरा, और उसको हमने अच्छे से रोस्ट करके उसको पीस लिया है। अगर आपका अच्छे से ना दरदरा पीसा है तो वो भी चलेगा। और इससे बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब टेस्ट आएगा भरवा करेले में। ये बहुत इंपॉर्टेंट मसाला है इस भरवा करेले का। उसके बाद हमने यहाँ पे डाला है 1 चम्मच अमचूर पाउडर और उसको अच्छे से पूरे मसाले को हम भून लेंगे, जब तक इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और हल्का डार्क सा आ जाएगा, उसको तब तक भूनेंगे। और देखिए, यहाँ पे हमारा मसाला रेडी हो चुका है, तो अब इसको हम हल्का सा ठंडा होने देंगे, गरम गरम नहीं भरेंगे। और अब ये मसाला ठंडा हो गया है तो अब हम इसको करेले भरने के लिए रेडी कर लेते हैं। देखिए, इस तरीके से हम भरेंगे इन करेलों को। आपने ओवरफ्लो नहीं करना है, बिल्कुल एज तक भरेंगे इसको। और फिर इन करेले को हम थ्रेड की सहायता से टाई कर लेंगे ताकि जो मसाला है वो फैलेगा नहीं आपका। और इसी तरीके से हम सारे करेलों को तैयार कर लेंगे। यहाँ पे कढ़ाई में हमने 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल का लिया है और अब हम इसमें ये करेले को एक एक करके डालेंगे। और ध्यान रखना है आपको, ये ओवरलैप ना करे, इनको सिंगल सिंगल आपने रखना है। अगर आपके करेले एक पैन में नहीं आ रहे तो आप उनको किसी बड़े पैन में रख लीजिए या फिर बाद में डालिए। और इसको इस तरीके से डालने के बाद अब हम ढक देंगे। और
10 मिनट बाद हम इसको देखेंगे तो इनका हल्का कलर चेंज हो गया। अगर आपको लगे तो आप पलट भी सकते हैं। और ये तकरीबन 20 मिनट में हमारे करेले बनके रेडी हो चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे और अब जब ये ठंडे हो जाएंगे तो हम इनका थ्रेड निकाल देंगे। ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको थ्रेड निकाल देना है। ये देखिए इसके अंदर का मसाला बहुत ही अच्छे से पका है और इसके बाहर की कवरिंग भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पकी है। और इसी के साथ हमारे करेले रेडी हैं। फ्रेंड्स इसको आप ज़रूर ट्राई करें, इसकी रेसिपी बहुत ही इजी है और ये बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे कोई भी बना सकता है और आपको तो पता ही है करेले स्वास्थ्य के लिए कितने अच्छे होते हैं। आपने ये भी देखा कि इसमें तेल भी कितना कम लगता है। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू।